लेकिन सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो तरीका है, हमें तो वो दिन याद आ रहा है देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि समाजवादी लोग थाने चला रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी अपने बनाए हुए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देख रहे होंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग थाना चला रहे हैं। प्रधानमंत्री यही तो कहते थे कि पुलिस और कानून व्यवस्था चौपट होगी उत्तर प्रदेश की। अब तो शायद उन्हें दिखाई दे रहा होगा सरकार उनकी। ये कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई नए भारत को बनाना चाहते हैं? क्या जहां ऑक्सीजन के बिना बच्चे मर जाएं वो नया भारत होगा? जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में नौजवान बेरोजगार हो वो नया भारत होगा? अभी अभी अपनी मांग को लेकर के गए थे नौजवान, उन्हें पुलिस की भर्ती को लेकर के फेयर भर्ती हुई, उन्हें लाठी मार के भगा दिया। शिक्षा में बेचारे कितना आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जान चली गई। हमने कहा 50 लाख उनके परिवार की मदद करें। ये शिक्षा मित्रों की नौकरी छीनने वाला, रोजगार छीनने वाला नया भारत, ये पता नहीं कौन सा नया भारत बनने जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपना योगदान करेंगे और वो नया भारत दिखाई देगा लोगों को। सरकार ने कहा कि 60 के लगभग बच्चों की मृत्यु हुई है। जो पहली रिपोर्ट आई डीएम के माध्यम से, जो रिपोर्ट पहुंची उसमें डीएम ने कहा कि सभी बच्चों की लगभग ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई, लेकिन सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक जांच जो डीएम की हो गई, उसके बाद फिर एक और जांच, फिर एक और जांच। ये सरकार आखिरकार किसको बचाना चाहती है? वो भी बच्चों की जहां जान जान चली गई, जहां के मुख्यमंत्री खुद हैं, और 60 बच्चों की जान चली जाए। और सच्चाई तो ये है कि जब गिनती सामने आएगी तो न जाने कितने बच्चे निकलेंगे जिनकी जान चली गई होगी।